हेलो फ्रेंड्स यार, एग्जैक्ट 30 डेज बचे हैं हमारे भाई कैट एग्जाम में। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है सर, इज इट पॉसिबल कि आज की डेट में भी अगर हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो क्या हम 90+ परसेंटाइल 95 परसेंटाइल ला सकते हैं? भाई मेरा आंसर है डेफिनेटली यस। भाई अभी भी आप कर सकते हो, सही तरह से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पढ़नी है एंड मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देना है। भाई इस समय जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो कह रहे हैं सर कोई ऐसा सक्सेस मंत्रा बता दो, कोई ऐसी ट्रिक बता दो, कोई ऐसा शॉर्टकट बता दो। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक ब्रह्मास्त्र डिस्कस करने वाला हूं। एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, अगर आप इस चीज को समझ गए तो डेफिनेटली यू विल बी पम्प्ड अप टू स्कोर द ड्रीम परसेंटाइल इन कैट एग्जाम विद इन 30 डेज। ठीक है, सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको भाई पूरा पूरा मॉक के थ्रू बताने वाला हूँ किस तरह से आपको एनालिसिस करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड उनके लिए कुछ रिवीजन वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ विच विल हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रेपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले समझो मिशन 30 डेज। भाई हमारे पास टोटल 30 डेज बचे हुए हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, काफी लोग आपसे ये बोलेंगे भाई 30 डेज में कैट थोड़ी हो सकता है, 30 डेज में प्रेपरेशन थोड़ी होती है, 30 डेज में एग्जाम थोड़ी क्रैक होता है, तो 99 परसेंटाइल थोड़ी बन जाएगा। दीज आर द नेगेटिव थिंग, दीज आर द एप्रिहेंशन जो आपको टाइम टू टाइम अब मिलते रहेंगे। हो सकता है लोगों से मिले या हो सकता है आपको खुद से ही ये लगे यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जब 10 महीने में नहीं कर पाया, मैं 11 महीने में नहीं कर पाया तो अभी क्या करूंगा। बात ये नहीं है, बात यह है कि मैक्सिमम लोग जो कैट एग्जाम क्रैक करते हैं उनका मैक्सिमम एफर्ट भाई 30 डेज में आता है। इस बात को मान लो भाई। आप एक चीज समझो, पेरेटोस प्रिंसिपल होता है, कभी टाइम मिले तो गूगल पर सर्च करना। पेरेटोस प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई आपके 20% एफर्ट 80% रिजल्ट लाके देते हैं एंड आपके जो 80% एफर्ट हैं वो 20% रिजल्ट लाके देते हैं। तो अगर आप ये 30 डेज को भी सही से यूटिलाइज कर लो ना, अगर आपके पास जो ये 20% टाइम बचा है उसको भी अगर आप सही तरह से यूटिलाइज कर लो तो भी आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब अगर आपको मोटिवेशन के लिए कुछ चीज समझनी है तो ये देखो भाई, 2 लाख बच्चा पेपर देता है। भाई पेपर का फॉर्म ज्यादा लोग भरते हैं बट एक्चुअल एग्जाम जो लोग देते हैं, जो एस्पिरेंट देते हैं, वो 2 लाख के आसपास देते हैं। इन 2 लाख में से 1 लाख तो भाई आपके सिर्फ वो बच्चे होते हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है बिकॉज उनके आसपास वाले लोगों ने भर दिया, उनके पेरेंट्स ने कह दिया, कॉलेज के फाइनल ईयर में है लेकिन अभी तक वो श्योर नहीं है मुझे कैट करना है कि नहीं करना। ठीक है, बाकी हमारे पास बचे 1 लाख लोग। इन 1 लाख लोगों में से भाई अप्रोक्सीमेट आप देखोगे 25,000 लोग वो हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन मिडवे छोड़ दी है। मतलब उन्होंने स्टार्ट तो की थी, कोचिंग ज्वाइन की थी, बुक्स खरीदी थी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, लेकिन वो मोटिवेशन 1 महीने 2 महीने में खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे इनमें से कुछ 25,000 लोग हैं जो एंड तक आते आते बिल्कुल ही गिव अप कर चुके हैं। भाई वो गिव अप कर चुके हैं, अब तो मेरे से हो ही नहीं सकता, अब तो मैं क्या ही करूंगा, मैं तो एकदम बेकार हो चुका हूं, मेरी डीमोटिवेशन हो गया, मार्क्स में नंबर नहीं बन रहे हैं एंड अब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। तो वो लास्ट 30 डेज जो सबसे क्रूशियल है उसमें वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है। उसके बाद मेरे पास बचते हैं 50,000 लोग। ये जो 50,000 लोग हैं इनमें से अगर आप देखोगे तो भाई 15 से 20,000 लोग वो लोग हैं जो भाई सिर्फ और सिर्फ अदर एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कैट के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा है, मैं तो एनमैट पे फोकस करूंगा, मैं स्नैप पे फोकस करूंगा, मैं टिस्क का दूंगा, मैं जैट दूंगा, सीटी में टाइम है उसके लिए पढ़ लेता हूं, एसआरसीसी फरवरी मार्च में होगा उसकी प्रिपरेशन करूंगा। तो वो अपने आप को एक रीजन दे रहे हैं कैट से एस्केप होने के लिए। बच्चे हमारे पास 30,000 लोग, ये वो लोग हैं जो कैट के लिए शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कर रहे हैं, वो डिटरमाइंड है और उन्हें इस कैट में जाना ही जाना है। एंड अगर आप टॉप कॉलेजेस उठा के देखोगे, सारे आईएम्स की बात कर लो, जितने भी टॉप 20 स्कूल है जो कैट के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, एसपी जैन हो गया, एफएमएस हो गया, एमडीआई हो गया, आईएमटी हो गया, आईएमआई हो गया, उसके अलावा जितने भी टॉप कैट के कॉलेजेस हैं, अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेट देर आर 15,000 गुड सीट्स। तो अब ये जो 15,000 सीट्स है और ये जो 30,000 बच्चों का कॉम्पिटिशन है, द रेशियो ऑफ कॉम्पिटिशन इज जस्ट 2:1। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर आप ये 30 डेज सही से इफेक्टिवली अपने आप को डिवोट कर दो तो आप ऑटोमेटिकली इस 2 लाख से इस 30,000 वाली कैटेगरी में तो आ ही जाओगे। और जो मैं आगे आपको ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं उसके बाद आप इस 30,000 से टॉप 15,000 में भी आ जाओगे जहां पे आप एक अच्छे कॉलेज के साथ अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखो कि ये 30 डेज में अपनी तैयारी करने वाला हूं। अब क्या क्या चीजें करनी है देखो, कैट एग्जाम क्रैक करने के लिए मेरे सामने 3 सेक्शन है, वर्बल है, एलआरडीआई है, क्वांट्स है। तीनों की इंडिविजुअल स्ट्रेटजी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन उससे ज्यादा आपको कुछ चीजें समझनी है। वो चीजें क्या समझनी है, सबसे पहला अपनी लाइफ का एक गोल सेट कर लो, इसका प्रिंट आउट निकाल लो, इसको कहीं लिख लो कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। भाई होपलेस नहीं होना है,
फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि अभी आपको ये नहीं सोचना कि मेरा गैप ईयर आ रहा है मेरा क्या होगा, अभी आपको ये नहीं सोचना मेरे 10 12 में स्कोर कम है मैं इंटरव्यू में क्या बोलूंगा, अभी मुझे ये नहीं सोचना कि सर मेरा जैट का पेपर आ रहा है, टिस्क का पेपर आ रहा है, मुझे सीमैट की तैयारी करनी है तो वो कैसे करूं। आपको फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के कॉन्सेप्ट चल रहा है। सबसे पहले एग्जाम कौन सा आ रहा है? कैट आ रहा है ना, इसको खत्म करते हैं फिर आगे देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि एक दिन में सिलेबस खत्म नहीं होगा, दो दिन में सिलेबस खत्म नहीं होगा, इतना सारा कंटेंट है, पढ़े तो पढ़े कैसे? तो उस कंटेंट का विड्थ देख के आपको डरना नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मतलब क्या कि एक टॉपिक उठाना है उसे खत्म करना है, जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस प्रिंसिपल को, उस आइडिया को, उस स्ट्रेटजी को बिल्कुल अडॉप्ट कर लेना है, ठीक है। अब इस पेपर की अगर हम बहुत ही ज्यादा निटिग्रिटीज में जाते हैं, पेपर को बहुत डिटेल में समझते हैं, तो अगर मैं आपसे वर्बल की बात करूं, मैं आपसे बात करूंगा एलआरडीए की और मैं आपसे बात करूंगा क्वांट्स की, ठीक है। वर्बल में मेरे सामने कितने क्वेश्चन है? वर्बल में मेरे सामने 34 क्वेश्चन है। एलआरडीए में कितने क्वेश्चन है? 32 क्वेश्चन है। क्वांट्स में कितने क्वेश्चन है? 34 क्वेश्चन है। अब एक बात ध्यान रखना, कैट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। कैट कहता है कि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। एक हमारा ऑफिशियल मॉक जो कैट का इस साल आया है उसमें एलआरडीए के 28 क्वेश्चन है, कैट के 30, क्वांट के 38 क्वेश्चन है। अब वो हो सकता है वो कोई टेक्निकल एरर हो या वो कुछ भी चीजें हो सकती है, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। आपको वहां पे जाकर होपलेस नहीं होना अगर पेपर में कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, राइट। अब उसके बाद हमें क्या समझना है, हमारे सामने चैलेंज क्या आ रहा है। चैलेंज आ रहा है कि काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर वर्बल में मेरा स्कोर इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, मैं वर्बल कितना भी कर लूं मैं इंप्रूव कर ही नहीं पा रहा हूं। दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। काफी लोगों को चैलेंज ये है कि सर मेरा एलआरडीए इंप्रूव नहीं हो रहा, मेरा वर्बल हो जाता है, मेरा एलआरडीए में मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता, मैं सेट बना ही नहीं पाता, मेरी एडवांस एलआरडीए बहुत बेकार है, सर मेरा एलआरडीए इतना खराब हो जाता है कि उसके बाद मैं क्वांट्स पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। काफी सारे लोग ये हैं सर मेरा एलआरडीए अच्छा है, मेरा वर्बल अच्छा है, बट मैं क्वांट में कॉन्सेप्चुअली बहुत वीक हूं, तो क्या मैं एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकता? सर मेरे फ्रेंड ने तो पूरी पूरी बुकें खत्म कर दी, किताबें खत्म हो गई, हजारों हजारों मॉक दे दिए, मैं कहां स्टैंड करता हूं? तो अगर आप इस पेपर को समझोगे ना, तो कैट एग्जाम इज नॉट अबाउट सॉल्विंग थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, कैट इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अगर हम एक एक सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 34 में से 24 क्वेश्चन लगभग आरसी के रहते हैं एंड 10 क्वेश्चन आपके वर्बल एबिलिटी के रहते हैं, जिसमें पैरा समरी, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। एलआरडीए की बात करें तो आउट ऑफ 32 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे तो अगर आप 3 से 4 सेट सॉल्व कर लो, टोटल आपके सामने 8 सेट आते हैं, हर एक सेट में 4 क्वेश्चन होते हैं, 3 से 4 सेट सॉल्व करने पे यू आर एबल टू स्कोर 98-99%। जहां तक बात है क्वांट्स की, तो क्वांट्स में भाई अगर आप देखोगे तो 16 क्वेश्चन आपके इजी होते हैं, फिर 8 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं और 8 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास। तो इस तरह से आपका पेपर चलता है। एंड इफ यू आर एबल टू स्कोर 22-23 क्वेश्चन, यू आर गेटिंग अ वेरी डिसेंट परसेंटाइल, यू आर गेटिंग अ ह्यूज परसेंटाइल। तो अब अगर हमें यहां पे इंप्रूव करना है तो मैं ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं, तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें समझनी है। देखो अगर हम एक एक सेक्शन को इंडिविजुअली एनालाइज करें, तो मैंने कहा अगर मैं 99 परसेंटाइल स्कोर करना चाहता हूं, मुझे ओवरऑल स्कोर 154 चाहिए, उसमें से मुझे वर्बल में कितना चाहिए। भाई एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि अगर आपको ओवरऑल 99 लानी है तो तीनों सेक्शन में 99 लानी है, दिस इज अ मिथ। आपका ओवरऑल स्कोर अलग है और आपके सेक्शन की कट ऑफ अलग है। तो अगर मैं वर्बल की बात करूं तो वर्बल इंडिविजुअल सेक्शन में अगर मैं 75 लाना चाहता हूं तो मुझे 99 परसेंटाइल चाहिए। तो उस केस में आप इस चीज को समझो, 75 नंबर आपके कब आएंगे? जब आपके 25 करेक्ट क्वेश्चन होंगे भाई, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। एलआरडीए की बात करूं तो 46 नंबर पे मेरे को 99 परसेंटाइल आ रही है। 46 नंबर का मतलब क्या हो गया कि अप्रोक्सीमेट आपने 15 क्वेश्चन, मतलब आपने टोटल 4 करेक्ट सेट सॉल्व कर दिए। एंड क्वांट की बात करूं तो 63 पे आपकी भाई कितनी परसेंटाइल आ रही है? 99 आ रही है। 63 का मतलब हो गया 21 करेक्ट क्वेश्चन। तो 34 क्वेश्चन में से मुझे 21 तक पहुंचना है, मुझे 32 क्वेश्चन में से एलआरडी में 15 पे पहुंचना है और मुझे वर्बल में 34 में से 25 करेक्ट करने हैं कि मैं अपनी डिसेंट परसेंटाइल गेन कर पाऊं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दो सेक्शन में बहुत अच्छी परसेंटाइल आई, एक में उतनी अच्छी नहीं आई, तब भी आप 99 परसेंटाइल बन सकते हो। जहां तक बात है 95 परसेंटाइल की, तो 95 परसेंटाइल के लिए मुझे ओवरऑल 121 चाहिए। मैंने कहा वर्बल में मुझे 62 नंबर चाहिए, वर्बल में 62 मतलब क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट 21 क्वेश्चंस जो मैंने करेक्ट होने चाहिए। एलआरडीए में सिर्फ 36 मार्क्स चाहिए, 35-36, विच मींस 12 क्वेश्चन, मतलब सिर्फ 3 सेट सॉल्व करने हैं। एंड क्वांट्स की बात करूं तो 37 नंबर चाहिए सिर्फ, विच मींस नथिंग मोर देन 13 क्वेश्चंस। यार 34 में से 13 क्वेश्चन नहीं कर सकते, अभी आपको बताता हूं कैसे कर सकते हो। 95 परसेंटाइल बनोगे कि नहीं बनोगे?
आप 90 परसेंटाइल देखो भाई, 90 परसेंटाइल इज ऑल्सो अ वेरी गुड परसेंटाइल। यहाँ पे भी आपको टॉप कॉलेज से कॉल आती है, एसपी जैन हो गया, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है वो 85 पे भी सेलेक्ट कर लेते हैं, आईएमटी हो गया, आईएमआई हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया, गोवा इंस्टीट्यूट हो गया, वो 90 पे भी कॉल करते हैं। इवन आईएम्स, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, 10-12 में स्कोर अच्छा है, तो वो 90 पे भी आपको कॉल करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 90 इज अ बेंचमार्क, 90 आपका स्टैंडर्ड सेट करता है। तो उसके लिए भी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको 103 मार्क्स चाहिए, 103 मार्क्स चाहिए। वर्बल में आपको चाहिए 52 नंबर। 52 नंबर का मतलब क्या हो गया? 52 नंबर का मतलब हो गया 17 करेक्ट क्वेश्चन। एलआरडीए में आपको 29 मार्क्स, मतलब 10 करेक्ट क्वेश्चन। और क्वांट में आपको 29, विच मीन्स अगेन 10 करेक्ट क्वेश्चन। तो अगर आप पेपर का सिर्फ 1/3 भी करके आ जाते हो, मतलब 300 नंबर का पेपर है, एंड अगर आप सिर्फ 100 नंबर, 103 नंबर ले आते हो, स्टिल यू आर 90 परसेंटाइल, तो क्यों नहीं अचीव कर सकते? माइंड में पिक्चर क्लियर हो रही है? जो चीज समझाना चाह रहा हूं उस चीज का ब्रॉड ओवरव्यू मिल रहा है? जो डीमोटिवेशन हो रहा है, जो डिप्रेशन हो रहा है, जो एप्रिहेंशन क्रिएट हो रहे हैं, वो दूर हो रहे हैं कि अभी भी? अच्छा सर, अब आपने हमें ये बता दिया कि क्या परसेंटाइल चाहिए, कितना स्कोर चाहिए, हमें भाई एकदम क्लैरिटी मिल गई है एक एक सेक्शन पे किस तरह से हमें स्कोर लेके आना है। अब गेम चेंजर क्या है, हाउ टू चेंज द गेम? अभी ये 30 डेज में मैं किस तरह से गेम को बदल दूं? तो इसके लिए सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। एडमिट कार्ड आ चुका है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। क्यों कह रहा हूं मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, उसमें यह देखो कि तुम्हारा मॉर्निंग स्लॉट है या तुम्हारा सेकंड स्लॉट है, क्योंकि जो आपका स्लॉट है उस स्लॉट में आपको पेपर को देना है, पेपर को देना है, हमें पता है उसी स्लॉट में एग्जाम देंगे। तो हमारा जो गेम चेंजर रहता है लास्ट 30 डेज में, वो रहते हैं हमारे मॉक एग्जाम्स। कितने ज्यादा हम मॉक्स दे रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि हम अपनी प्रिपरेशन को कितना ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको अब से, आज से, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो उसी टाइम में दोगे जो आपका एक्चुअल कैट का एग्जाम है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो माइंड है वो एकदम सिंक में चला जाएगा, माइंड को हैबिट हो जाएगी हर दिन उस दिन उस टाइम पे मॉक देने की, माइंड को कभी भी अनईजी फील नहीं होगा जब एक्चुअल एग्जाम होगा, क्योंकि उस प्रॉपर टाइम में आप पिछले 30 दिनों से मॉक दे रहे हो। तो दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर एफिशिएंसी। यहां तक बात क्लियर है? अब सर कैसे गेम को चेंज करना है? तो आज से, अभी से, अगर आप 30 डेज में बनना चाहते हो 95+, 97+, 90+, 98+ परसेंटाइलर, तो अपने आप से एक प्रॉमिस कर लो कि विद इन द नेक्स्ट 30 डेज आप एटलीस्ट 20 फुल लेंथ मॉक्स देने वाले हो। अब बात को समझो, मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फुल लेंथ मॉक्स हमें 20 देने हैं, 20 फुल लेंथ देने हैं, एंड अगर आप और ज्यादा दे सकते हो तो 25 इज इवन बेटर। जब भी आप एक फुल लेंथ मॉक दोगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपकी नेगेटिविटी आ रही है कि मेरा तो स्कोर ही नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या? लेकिन उस चीज से छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम बच्चा कैट की प्रिपरेशन जब करता है वो 4 या 5 मॉक से ज्यादा दे ही नहीं पाता, क्योंकि उसके बाद वो इतना होपलेस हो जाते हैं कि मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे। एंड दैट इज द मोमेंट जहां पे जो उसके आगे मॉक दे गया वो विनर बन जाता है, वो गेम को चेंज कर देता है। अब हमें इस मॉक को देना कैसे है, उसको एनालाइज कैसे करना है, मैक्सिमम रिजल्ट कैसे लेके आने, सब चीज डिस्कस कर रहा हूं। थोड़ा सा समय ले रहा हूं, लेकिन भाई मैं चाहता हूं आपका माइंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए इस वीडियो के बाद, ठीक है? अब जब मैं मॉक दे रहा हूं तो मुझे बिल्कुल मॉक वैसे ही देना है जैसे मैं एक्चुअल एग्जाम दूंगा। तो वर्बल, एलआरडीआई और क्वांट्स, ठीक है? वर्बल में देखो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बोल के कुछ नहीं होता, वर्बल में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। आप आरसीज के जितने टाइप ऑफ आरसीज करोगे, जितने टाइप ऑफ इंफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, जितने टाइप के ऑथर आइडिया वाले क्वेश्चन करोगे, उतना आपके माइंड में पैटर्न बनता जाएगा। मेरा जनरली अप्रोच यह रहता है कि वर्बल में एक्यूरेसी 70-80% रहती है। अगर आप कभी भी नोटिस करोगे अपने मॉक का एनालिसिस, तो आपकी वर्बल की एक्यूरेसी एलआरडी और क्वांट से कंपैरेटिवली हमेशा कम होती है। तो इसीलिए मैं यहां पे अटेम्प्ट्स बढ़ा देता हूं। मैंने कहा मैं वर्बल में 34 क्वेश्चन करूंगा। अब इन 34 में से अगर मैं समहाउ 80% एक्यूरेसी पे अचीव कर गया तो मुझे अपनी परसेंटाइल मिल गई जितनी मुझे चाहिए थी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब मैं वर्बल सेक्शन का एनालिसिस करूंगा तो मैं जितने भी आरसीज हैं, जितने भी मेरे पैरा जंबल्स हैं, जितने भी मेरे पैरा समरी है, इन सबका सॉल्यूशन बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। जो जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए, देखो जितने भी मैं मॉक्स दे रहा हूं उसमें दो चीज होती है, या तो मेरे इनकरेक्ट क्वेश्चन है या मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करे। जो करेक्ट है उसमें तो आपको कुछ नहीं देखना, इसका मतलब वो तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट है। जहां पे गलतियां हो रही हैं वो सबसे पहले चीज देखो कि जो जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां हो क्यों रही हैं, क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन करा है इसका मतलब आपने ये सोचा था वो करेक्ट होगा,
बट वो गलत हो गया, दैट इज अ चैलेंज। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। जहां तक बात है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो उसके लिए हमें काम करना है जो क्वेश्चन हमारे अनअटेम्प्टेड है, तो उसके सॉल्यूशन में डिटेल में पढ़ने की, एग्जाम टाइम में जब मैं दे रहा था तो क्या चीज क्लिक नहीं हुई थी, और ये चीज मुझे अगले मॉक में ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया। तो अब मैंने आपको कहा कि वर्बल में 34 क्वेश्चन है, एनालिसिस के टाइम मैं सॉल्यूशन बहुत डिटेल में पढ़ूंगा कि ऑथर के किस तरह से आंसर को अप्रोच किया है, एलिमिनेशन मेथड से किया हुआ है सॉल्यूशन में, या फिर मैं देख रहा हूं कि किस तरह से ऑप्शन सही पिक करना है। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे दिमाग में एक सेट पैटर्न बन जाएगा। भाई देखो, एक वर्बल एक लैंग्वेज है, उसे इंप्रूव करने में टाइम लगेगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअली जाओगे इट विल टेक टाइम। तो मेरी स्ट्रेटजी रहती थी, मैं इतने सारे पैसेजेस सॉल्व कर लेता था, इतने सारे मॉक्स दे देता था कि मेरे को एक पैटर्न माइंड में बन जाता था कि इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह से एलिमिनेट करना है, इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह से ऑप्शन सही आंसर होता है। इन्फ्रेंस बेस में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आंसर में चेक करनी होती है। कोई भी आउटसाइड वर्ड, आउटसाइड अगर कोई चीजें यूज हो रही है तो उसे हटा देना उस ऑप्शन को। तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपके माइंड में तब फिट होंगी जब आप उसका एनालिसिस करोगे। तो ठीक है, वर्बल आपको फंडा क्लियर है। LRDI में जो मेरे सामने 32 questions हैं, इन 32 questions में से आपको ये चीज देखनी है कि 3 से 4 सेट वो कौन से थे जो आप पिक कर सकते हो। भाई LRDI में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 7-8 सेट बहुत डिफिकल्ट है। नो, 3 से 4 सेट आपके इजी टू मॉडरेट होंगे, 2 सेट आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट होंगे, एंड जो लास्ट के 2 सेट है दे विल बी डिफिकल्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डिफिकल्ट सेट है उसमें हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो अगेन LRDI में कॉन्सेप्ट से ज्यादा है आपको टाइम सेव करना है, और ये इंप्रूव तभी होगा जब आप मॉक में टाइमर की लिमिट के साथ पेपर करोगे। आप बहुत बार एनालिसिस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, अरे यार ये वाला सेट करता तो हो जाता, अरे यार अगर ये वाला सेट करता तो और बेटर परफॉर्मेंस निकल के आती। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है जब हम अपना कैट का मॉक दे रहे हैं और उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो मुझे यही फिगर आउट करना है कि जो मैंने सेट पिक करे थे क्या मैंने सही सेट पिक करे थे। अगर करे थे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करे थे तो कौन से सेट मुझे पिक करने चाहिए थे। और ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जब आप मल्टीपल मॉक्स दे रहे हो तो उन मल्टीपल मॉक्स में आप ये देखोगे कि यार कौन से टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे से लगते हैं, आसान से दिखते हैं, बट वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि उसमें हिडन इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है। तो LRDI में कोशिश करा करो जिस भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, जिसमें कंटेंट ज्यादा दिया हुआ है, वो कंपैरेटिवली हमेशा इजी रहेगा, क्योंकि आपको हिडन इंफॉर्मेशन डीकोड नहीं करनी है। Are you getting my point? तो ये चीज़ आप evaluate कर लोगे, ये चीज़ आप analysis कर लोगे when you will be taking 5 to 6 mocks। बात आती है quants की। Quants में अगर आप देखोगे तो mock देने से बहुत ज़्यादा benefit नहीं होगा सिर्फ mock से। क्यों? क्योंकि quant is a conceptual subject। आपके यहाँ पे concept clear होने चाहिए। तो quants के लिए मैं आपको suggest क्या करता हूँ, क्या mock तो दे ही रहे हो, very good, वो तो हमें कंटिन्यू रखना ही रखना है क्योंकि 3 घंटे का फुल लेंथ मॉक देने हैं, क्वांट सेक्शन में करना ही है। साथ में आपको डेली बेसिस पर क्वांट में 2 घंटे अलग से भी लगाने हैं, ताकि आप क्या कर रहे हो, आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो जिस टॉपिक के क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं, उसका रिविजन कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहने का मतलब क्या है समझो, अब हमारा एंड कंक्लूजन यहां से क्या निकला इस पूरे गेम चेंजर प्लान से। मुझे मॉक टेस्ट देना है, 3 घंटे का मॉक टेस्ट है, और उसके बाद मैं 3 घंटे का एनालिसिस करूंगा, मैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझूंगा, मैं LRDI के सेट को वापस सॉल्व करूंगा। तो मैं 6 घंटे यहां पे दे रहा हूं, 6 hours आई एम गिविंग फॉर एवरी मॉक। उसके बाद भाई मैं क्या करूंगा, मैं डेली क्वांट्स के ऊपर अपने 2 hours एक्स्ट्रा दूंगा। 2 hours एक्स्ट्रा दूंगा मतलब मैं ये देखूंगा कि जो भी टॉपिक है, चाहे हर दिन आप टारगेट बना लो एक टॉपिक करना है। टोटल क्वांट के 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 30 ही डेज है, हर दिन 2 घंटा वो टॉपिक रिवाइज कर लो। मैं आपको बताने वाला हूं कैसे रिवाइज करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसीलिए फिर आपका क्वांट यहां पे इंप्रूव हो रहा है। देन इसके बाद मैंने आपको कहा कि वर्बल के लिए आप डेली 1 घंटा अलग से दे दो, अगर आप देना चाहते हो, बहुत ज्यादा वीक है। आपने कहा मैं डेली 1 घंटा RC के प्रैक्टिस करूंगा, तो वो आप 1 घंटा दे दो, एंड LRDI में एडिशनल आप 1 घंटा दो, ठीक है। तो टोटल ये हमारा 10 hours का स्टडी प्लान है, 10 घंटे हमें पढ़ना है। इसको आप प्लस माइनस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आपका क्वांट बेटर है तो वर्बल में 2 घंटे दे दो, अगर आपका वर्बल अच्छा है तो LRDI में 2 घंटे दे दो। तो 6 घंटे हमें मॉक में इन्वेस्ट करने हैं, 4 घंटे हमें अपनी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करने हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करने हैं। तो यहां से मेरे टॉपिक भी खत्म हो रहे हैं, मेरा रिविजन भी हो रहा है, मैं अपने कॉन्सेप्ट भी ब्रशअप कर रहा हूं, एंड डेली बेसिस में मैं मॉक भी लिख रहा हूं। और जो भी आपका वीकेंड आता है या जो भी आपका फ्री डे होता है, जैसे मैंने आपको बताया 30 डेज में आपको 20 मॉक्स देने हैं, तो बाकी जो आपके 10 दिन बचे हैं उन 10 दिनों में आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लो या फिर आप रिवीजन कर लो। तो अगर आप देखोगे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जहां पे आपने मॉक भी दे दिए,
जहां पे आप डेली बेसिस पे टॉपिक भी पढ़ रहे हो, जहां पे आप प्रीवियस ईयर का रिवीजन भी कर रहे हो, अपना जो नोट्स बना रहे हो उसका भी रिवीजन कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई आप मॉक्स को एंड के लिए छोड़ रहे हो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो पूरा एक फुल फ्लेज्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजाइज करके हमें इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, तभी हम 30 डेज में इस प्लान के साथ 99, 95 या फॉर श्योर 90 परसेंटाइलर तो बन ही जाएंगे। अब जो मॉक्स दे रहे हो वो आपको अच्छे देने, तो अगर आपके पास ऑलरेडी मॉक टेस्ट है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो भाई हमारी कैट की टेस्ट सीरीज भी है। अब एक बात को समझो, जितने भी मॉक्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 25 फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 25 फुल लेंथ मॉक का मतलब क्या है, इसमें मैंने डिफिकल्ट लेवल चेंज किया है। ऐसा भी हो सकता है कैट इजी आ जाए, ऐसे भी हो सकता है कैट मॉडरेट आ जाए, ऐसा हो सकता है कैट डिफिकल्ट आ जाए, ऐसा हो सकता है दो पर्टिकुलर सेक्शन डिफिकल्ट आ जाए, एक इजी आ जाए, एक इजी आ जाए, दो डिफिकल्ट, तो हर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लगा के मॉक बनाए गए ताकि आप हर एक पॉसिबल सिचुएशन से अवेयर रहो। फिर जो मैंने आपको बताया सेक्शनल की प्रैक्टिस करनी है, सेक्शनल की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 25 सेक्शनल मॉक्स दे रहा हूं ताकि भाई आप अपने 8 वर्बल, 8 क्वांटो, 7 एलआरडीए के मॉक देके एग्जॉस्ट कर लो। उसके बाद कैट 17 और कैट 18 का पूरा पेपर आपको दे रहा हूं इन द मॉक फॉर्म अलग से, ताकि आपके पास ये चार पेपर हो जाए। तो जो मैंने आपको बताया जो आपके 10 एक्स्ट्रा दिन है वहां पे आपको प्रीवियस ईयर करने हैं, तो यहां पे आपके पास चार एग्जाम हो गए, क्योंकि 2017 के दो पेपर मॉर्निंग आफ्टरनून स्लॉट, 2018 के दो पेपर, तो आपके पास 25 फुल लेंथ मॉक्स, चार आपके पास ये वाले पेपर हो गए, तो 29 पेपर। और उसके बाद अगर जो मैंने आपको बताया आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, तो मान लो आपने कहा सर मेरा ना टाइम स्पीड डिस्टेंस वीक है, तो मैंने आपको वहां फीचर दे दिया जनरेट टेस्ट फीचर। नाउ दिस फीचर यू हैव टू यूटिलाइज। कैसे यूटिलाइज करना है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आपने सेलेक्ट करा टाइम स्पीड डिस्टेंस का मेरा टेस्ट जनरेट करना है, कितने क्वेश्चन का जनरेट करना है आप वहां सेलेक्ट कर लो। डिफिकल्टी लेवल आपको क्या रखना है, आपको बेसिक क्लियर करना है उस टॉपिक का, या आपको एडवांस पढ़ना है या मॉडरेट रखना है, आप सेलेक्ट कर लो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आप अपनी डिफिकल्टी लेवल सेट कर रहे हो, तो हर एक टॉपिक जो मैं आपको कह रहा हूं 2 घंटे रिवाइज करना है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। इसमें फायदा क्या है, जैसे आप टेस्ट जनरेट करोगे प्रैक्टिस के लिए आपका टाइमर भी चलेगा, तो जो आपको डिस्ट्रैक्शन होता है जो फोन में लग गए या बुक में सॉल्व कर रहे हैं, टाइम का रिकॉर्ड नहीं रहा, ऊपर टाइम भी चल रहा है, आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पे देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप कंप्यूटर फैमिलियर भी हो रहे हो। हर एक मॉक का, हर एक जनरेट टेस्ट का, हर एक सेक्शन का डिटेल एनालिसिस और सॉल्यूशन आएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना था ताकि आप वहां से सीख पाओ। Getting the point. So this is how you have to approach the complete exam. So अगर आप buy करना चाहते हो तो you can go on our website studybus.co.in and यहाँ से आप सारी की सारी चीजें कर सकते हो। काफी ज़्यादा helpful रहेगा। इतना करने के बाद आप एक बहुत strong position पे आ जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 30 days लगा के सिर्फ इतना भी solve कर लो, then also you are in a very good position. And अगर आप already कर रहे हो तो well and good है, then you can skip that part. अब अगर बात करूँ important topics की आपके साथ, अगर मैं बात करूं क्वांट्स के कौन कौन से टॉपिक है, तो नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, एलजेब्रा। आपको क्वांट्स में एक चीज ध्यान रखनी है कि हर एक टॉपिक का आपको बेसिक मॉडरेट आता हो। मैं ये नहीं कह रहा एडवांस आता हो, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक एंड मॉडरेट। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर मान लो कैट एग्जाम में क्वांट में 34 आए, अब काफी सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर मेरा अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग है, बाकी मैं टॉपिक छोड़ दूं क्या? और मान लो जो 34 क्वेश्चन क्वांट में आए, उन 34 में से 16 इजी है, 8 मॉडरेट है, 10 डिफिकल्ट है, और वो डिफिकल्ट वाली अरिथमेटिक आ गए तो डिफिकल्ट वाले अरिथमेटिक आ गए तो वो हम कर नहीं पा रहे हैं, बाकी हमने टॉपिक पढ़े नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज ये पता है कि आउट ऑफ 34 क्वेश्चन सर ये 24 से 25 क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट होंगे चाहे किसी भी टॉपिक के हो। तो हर एक टॉपिक का आप इजी और मॉडरेट फॉर श्योर खत्म करोगे ही करोगे, ताकि एग्जाम एनवायरमेंट में जब एक्चुअल एग्जाम हो रहा है तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आप छोड़ पाओ इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अरिथमेटिक आता है तो आप अरिथमेटिक के डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी लगे हुए। भाई एग्जामिनर अगर चाहे तो इतना डिफिकल्ट पेपर बना सकता है कि चाहे आपका अरिथमेटिक कितना भी अच्छा हो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और ऐसा भी हो सकता है आपको मॉडर्न मैथ बिल्कुल नहीं आता लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है कि देख के आंसर आ जाए, तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो गैप की वजह से आपका स्कोर काफी ज्यादा फॉल हो जाएगा। सो दैट इज वाई ये जो मैंने स्क्रीन पर आपको टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिक के नोट्स बना लो, नोट्स के लिए रिवीजन वीडियो भी मैं दूंगा आगे, एक सेकंड रुको, इनके नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लो, एंड उसके बाद इन नोट्स के हेल्प के बाद जो मैं आपको वहां पे टॉपिक टेस्ट की प्रैक्टिस दे रहा हूं उसको टॉपिक टेस्ट को प्रैक्टिस कर लो, आपका टॉपिक डन एंड डस्टेड, उसके अलावा कुछ मत करो। सेम गोज विद ज्योमेट्री, सेम गोज विद अरिथमेटिक, सेम गोज विद मॉडर्न मैथ्स एंड एलजेब्रा। ये तो हुई क्वांट की बात, सर इंग्लिश की क्या करें? इंग्लिश की कहानी ये है और एलआरडीए की कहानी ये है कि इंग्लिश में हमें आरसी तो करने ही करने इनफाइनाइट,
उसके बाद आरसी में अगर आप देखोगे तो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद आप देखोगे फैक्ट इन्फ्रेंस जजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, ऑथर क्या कहना चाह रहा है ये बताओ, तो इसीलिए क्रिटिकल रीजनिंग आपको पढ़ना है। एंड साथ में जो बाकी 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पैरा जंबल, जंबल सेंटेंसेस, पैरा कमरी, पैरा सम्मिलेशन एंड उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको फिनिश करना है, ठीक है। और टीटा बेस्ड पैरा जंबल भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो एलआरडीए में भाई ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, एडवांस एलआरडीए पूछा जाता है, उसमें भी अब नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, एलआर बेस्ड डीआई आ रहा है, डीआई बेस्ड एलआर आ रहा है, क्वांट्स बेस्ड डीआई आ रहा है, क्वांट्स बेस्ड एलआर आ रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप को वो मिक्स कर रहे हैं, वो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बना रहे हैं, लेकिन जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपके सामने ये रहे। तो इन टॉपिक्स ने अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, इनकी प्रैक्टिस करो, एंड अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो इन टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स देखो एक बारी एंड उसके बाद आप यहां पे मूव ऑन कर जाओ, ठीक है जी। एंड जो भी टॉपिक आप देख रहे हो, जिसका आपने वीडियो देखा कहीं से या फिर आपने नोट्स में से रेफर करा, जो मैं आपको टॉपिक टेस्ट वहां पे दे रहा हूं वहां से प्रैक्टिस कर लो, सेक्शनल मॉक दे दो, डन एंड डस्टेड, बात खत्म, ठीक है। वर्बल में मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा अलग से टॉपिक वगैरह कुछ पढ़ो, एक या दो टॉपिक के अलावा मोरल आरसीज का बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस बहुत ब्यूटीफुली करना है उसका, ठीक है। इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं फ्री वीडियोस की, तो फ्री वीडियोस मोर देन 50 फ्री वीडियोस वी आर प्रोवाइडिंग कि आपकी जो प्रिपरेशन है बूस्टअप हो जाए। कैसे हो जाए? कंप्लीट क्वांट रिवीजन की वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भाई कंप्लीट क्वांट वीडियो रिवीजन हो जाएगा, जिसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला सब कुछ लिखवाया है, पूरी की पूरी डिटेल्ड अरिथमेटिक रिवीजन है जिसमें आपको अरिथमेटिक के शॉर्टकट्स वगैरह सिखाया, ज्योमेट्री का पूरा रिवीजन कराया है जिसमें आपको ट्राइंगल, सर्कल्स, पॉलीगॉन्स, क्वाड्रिलेटर का एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, 25 क्वांट शॉर्टकट्स मैंने आपको कराए हैं जिससे आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो, टाइम एंड वर्क पूरा का पूरा टॉपिक कराया है बेसिक से लेकर एडवांस तक। इसके बाद मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक, और भी पार्ट आएंगे भी चैनल पे, तो चैनल आपको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिस ना हो। यहां पे मैंने आपको क्वेश्चंस करने की अप्रोचेस सिखाई है कि पिक कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ऑप्शन मेथड से कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड से कैसे करना है, तो ये सारा देखने के बाद यू विल मीन अ गुड पोजिशन की हायर, अब हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस यहां से जनरेट हो रहा है। बात आती है एलआरडीआई की, एलआरडीआई का कैसे रिवीजन करें, तो कंप्लीट एलआर बेसिक एलआर का तो रिवीजन कराया गया है, लेकिन कैट में एडवांस आता है तो एडवांस एलआरडीआई के भी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए हैं, टेबल्स क्या होता है, केसलेट्स क्या होता है, न्यूमेरिक लॉजिक के क्वेश्चन, अरेंजमेंट के क्वेश्चन, सबके कॉन्सेप्ट सिखा दिए, तो अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, सेक्शनल पेपर आपको देना है, गेम्स एंड टूर्नामेंट आपको सिखाया, बेसिक एलआर क्वेश्चंस, उसके बाद अगेन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चंस को बिल्ड कैसे करना है, किस तरह से एग्जाम में सॉल्व करना है, इसीलिए पार्ट 1 से लेके यहां पे आपको पार्ट 7 कराए हैं, जिसमें 3 पार्ट डीआई के हैं, 4 पार्ट एलआर के हैं, और इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्रैक सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, कि इस तरह से क्वेश्चन को एक्चुअल एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। हर एक वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं वर्बल की, अब वर्बल में भी कंप्लीट वर्बल रिवीजन है, आरसी में क्या कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, किस तरह से क्वेश्चन अप्रोच करना है, पूरा का पूरा सिखाया है, पैरा जंबल और जंबल सेंटेंसेस की ट्रिक्स क्या है, किस तरह से फटाफट आप कर सकते हो वो पूरा सिखाया है, जो भी शॉर्टकट्स है, जो भी ट्रिक्स आप यहां से सीख जाओगे। उसके बाद अदर एग्जाम्स के लिए आपको वोकैबुलरी वगैरह भी कराया गया है, एनालॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ऑड वन आउट, फॉरेन वर्ड जैसे है जो आपके स्नैप में पूछा जाता है, आईएफटी पूछा जाता है, वो कराया गया है। देन आपकी डेडिकेटेड वीडियो है आरसी के लिए, कैसे आरसी इंप्रूव करना है वो भी आपको सिखाया गया। इसके अलावा मैं और भी फ्री वीडियोस दे रहा हूं जो आईएफटी का पेपर टारगेट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जीके बहुत पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए जैट में जीके आएगा, टिस में जीके आएगा, सीमैट का पेपर जीके पूछता है, तो मंथ वाइज करंट अफेयर्स आपको मिल चुकी है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, फिर जो और इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो, उसके बाद कुछ स्टैटिक वीडियोस हैं जो मैंने आपको स्टैटिक जीके की वीडियोस दी हैं, वो भी आप देखोगे तो इससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, सीमैट का पेपर हो गया, टिस का पेपर हो गया, जैट का पेपर हो गया, उसमें भी, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों को जीडीपीआई वैट की ज्यादा टेंशन रहती है, आपके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व्ड है। आपके लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व्ड है भाई? इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्या क्या पूछे जाते हैं, जीडीज में कैसे करना है, रिटर्न एबिलिटी टेस्ट में किस तरह से लिखना होता है, सैंपल पूरा का पूरा कराया गया, 2-3 एसे मैंने आपको सॉल्व करा के दिखाया है, अपने 10-12 के अगर कम मार्क्स हैं उसको कैसे जस्टिफाई करना है, अगर आपका ईयर गैप है तो उसे कैसे जस्टिफाई करना है, हर एक चीज मैंने आपको यहां पे सिखा दी है, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस है जो आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन बूस्टअप करने के लिए, एंड इस चीज को ध्यान रखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन चीजों को याद रखो पूरा का पूरा, अगर हम कंक्लूजन निकालें इस पूरे पीडीएफ का, इस पूरे वीडियो का, तो भाई एक सेक्शन पे सिर्फ फोकस नहीं करना है, तीनों सेक्शन में टाइम देना है, अदर एग्जाम्स को भी माइंड में लेके चलो ताकि बैकअप प्लान बने रहे, मॉक्स को एंड के लिए मत छोड़ो, रिवीजन साथ साथ करते रहो, इसीलिए मैंने 30 दिन में 20 मॉक बोले हैं ताकि 10 दिन में रिवीजन होता रहे,
मॉक का एनालिसिस इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको निकालना है, टू द पॉइंट सही कंटेंट पढ़ना है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मत करो, ऐसी चीजें मत करो जिसको एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता और टाइम आप बहुत ज्यादा दे रहे हो। डू नॉट गिव अप, इस समय हम गिव अप करने की पोजिशन में है ही नहीं, हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है। मास्टर प्लान ब्रह्मास्त्र मैंने पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताया, उसको आपको फॉलो करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरी सिंगल डे इज इंपॉर्टेंट, हर दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको शिद्दत से यूटिलाइज करना है, हर दिन 8 से 10 घंटे डिवोट करने हैं। इस बात को अपने माइंड में फिट कर लो कि आप अपने एक सेफ करियर के लिए, एक अच्छे करियर के लिए, एक गुड बी स्कूल के लिए, क्या आप 30 डेज में हर दिन 10 घंटे नहीं पढ़ सकते? और अगर आप 10 घंटे हर दिन पढ़ लिए तो दैट इज इक्वल टू 300 आवर्स ऑफ स्टडी, और 300 घंटे की पढ़ाई करके आप कैट एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। एंड यही चीज है, एंड इस बात को दिमाग में फिट कर लो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब भी आप मॉक दे रहे हो स्कोर को ग्रेजुअली इंप्रूव करना है। हर एक मॉक में कोशिश करो मैं 5 नंबर से इंक्रीज करूं, पहले मॉक में अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं, अगले मॉक में 55 आ रहे हैं, उसके नेक्स्ट मॉक में 60 आ रहे हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। 50 से 150 नहीं जाया जाता है, 50 से आपको डायरेक्ट 200 पे नहीं जाना है, आपको छोटी छोटी चीजों पर काम करना है, ठीक है? एंड इसके साथ ही एक चीज याद रखो, डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कॉम्पीट। अपने 30 दिन प्रिपरेशन में देके तो देखो, अपने 30 दिन अपना होल हार्टेडली प्रिपरेशन करके तो देखो, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेटर आएगा, ठीक है? तो अगर आपको भाई वीडियो पसंद आया, कुछ हेल्पफुल लगी है चीजें, तो वीडियो को लाइक कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जो भी आपके काम की वीडियो है उनको देख लो, ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम से बूस्ट अप हो जाए, ठीक है जी? ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।